देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ वो बहुत ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना है जो कि इन लोगों ने करवाई। देखिए, हुकूमत जो है ना, हुकूमत जब अपने ऊपर बैठ जाती है कि हम लोगों का एक अधिकार है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी, वो मनमानी जो थी वो दरबार साहब पे की गई। और जो बहुत ब्लू स्टार ऑपरेशन था, मैं नहीं समझती कि उसकी कोई जरूरत थी सरकार को। और हुकूमत ने जो नीचे नीचे ये कराया, 1 जून से लेकर जो 6 जून का जो एक दर्दनाक, जो एक हम लोगों ने, मैंने खुद सर्च किया, मैंने खुद इतिहास को पढ़ा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कहीं ना कहीं जो देश की आजादी हमें मिली, वो आजादी हमें अभी भी नहीं मिली। एक्चुअल में कोई भी हुकूमत आकर कोई भी अच्छे लोगों को, सिख समाज को अगर इस तरीके से मारने का प्रयास करती है या ऐसे कोई स्टिंग ऑपरेशंस कराती है, तो मैं कहती हूँ लानत है ऐसी सरकार पे कि आप लोग जो है, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, जिन संत जी के कारण, जिन संत भिंडरा जी वाले के कारण लड़कियां कहीं सुरक्षित थी, जब लोगों में समानता का जो था भेदभाव मिट चुका था, लोग अपने अपने जो है ना धर्मों को, जातियों को, अपने अपने धर्म को अपना पूज रहे थे, लड़कियां सुरक्षित थी, तब ऐसा हुकूमत सरकार को क्या दिखा उनमें, तब कौन से आतंकवादी उनमें दिख गए थे कि एकदम उन्होंने जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन खड़ा कर दिया? क्या राष्ट्रपति की नॉलेज में भी नहीं डाला गया? ऐसी कौन सी आफत सरकार को आ पड़ी थी कि ब्लू स्टार ऑपरेशन उन्हें करना पड़ा? मैं नहीं मानती ये सब अपने मतलब के लिए सरकारों ने किया। आप ये देखिए, संत जी को आप एक बार बताइए, पूरे देश के अंदर कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है, कोई भी पंजाब के अंदर किसी थाने में उनके खिलाफ केस नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक टेररिज्म से जो है एक संपर्क रखते थे? और बहुत दुख होता है हम लोगों को इस बारे में बात करते हुए कि आज जो है ना 84 के ऊपर हम लोगों के बच्चों को, युवा पीढ़ियों को गलत गाइड किया जाता है, कहीं ना कहीं सरकारें उनको एक टेररिज्म से जोड़ देती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बार बीच में मैं कहीं बैठी हुई थी तो किसी ने बोला जी वो 35,000 हिंदुओं को उन लोगों ने काट दिया, इसलिए हम उनको टेररिज्म से जोड़ते हैं। भाई आप वहाँ थे मौके पे जिस टाइम हिंदुओं को काटा गया? क्या आप वहाँ मौके पे थे? क्या सोशल मीडिया वहाँ पर प्लेटफॉर्म था कि वो अपनी बात रख सके? क्या आप लोगों को पता है कि सरकार ने अपने ही नुमाइंदे छोड़कर और उनको भेष बदलवा कर और इन संत जरनैल सिंह के नाम जो था वो खून सारे लपेट दिए थे? क्या उस टाइम मीडिया इतनी स्वतंत्र थी कि जो लिख सके? उस दौरान तो जो हुकूमत कहती थी वो ही लिखते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के सामने एक पिक्चर लाके खड़ी कर दी कि संत जी ने 35,000 हिंदुओं कटवाया। मैं टोटली डिनाई करती हूँ इस बात को कि संत जी ने ये कोई काम करवाया, और ये सब हुकूमतों का जो था एक पहरा था, इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये सारा जो प्रोपगंडा रचा ताकि कहीं कोई आनंदपुर साहब जो मते हैं उनको मांग जो है वो ना मानी जाए, और कहीं ना कहीं उनको खतरा था कि अब जो है ना तुम्हारी हुकूमत बहुत कम समय चलेगी, क्योंकि कोई ना कोई सच्चाई, पवित्र, खालिस, जब कोई महापुरुष पैदा होता है तो हमेशा यही कार्य होता है, और हमेशा उसको जो है ना कहीं दबाने का कार्य किया जाता है, जो हमारे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी के साथ किया गया। बहुत शर्मनाक घटना है, मैं आज भी इसका विरोध करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। हमारी ब्रिगेड इसका विरोध करेगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी ने जो हमारे बेटियों के लिए किया, जो समानता के लिए किया, वो सरकार ने बहुत घटिया काम करके अपने ऊपर एक धब्बा लगवाया है 1984 में। वो बहुत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर इनकी तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी ये ऑपरेशन करने की। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन सरकार को माफी मांगनी चाहिए, दरबार साहब में आकर नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि जो इन्होंने दरबार साहब के लिए किया, जो इन लोगों की घिनौनी हरकत इन्होंने दरबार साहब पे की। मैं मानती हूँ कि एक्चुअल में ये भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत में रहते हुए ये लोग हमारे भारत के काबिल नहीं है। अगर दरबार साहब पे इन लोगों ने ये हरकत की है ब्लू स्टार ऑपरेशन करके, इन लोगों को टाइम रहते माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये देश बहुत जल्दी जागरूक होने वाला है। और ये लोग अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर इनको जो है ना जबरदस्ती इनके साथ ये लागू की जाएगी, क्योंकि मेरा देश समझ रहा है, मेरे देश के लोग समझ रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये हमें आपस में तोड़ने का काम करते हैं, ये जोड़ने का काम नहीं करते।